नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं NMG न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, अगर वीडियो का थंबनेल देखकर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और पूरा देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उससे पहले दोस्तों, आप कोई भी गलत कमेंट इस चैनल पर ना करें। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले आप सभी ने देखा होगा कि YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियो थी जिन पर आप सभी ने देखा भी होगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में उन वीडियो पर व्यूज आए हुए हैं, तो उम्मीद है आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो उसमें बताया जा रहा है कि PSL का पैसा मिलना शुरू हो गया है और पैसा खाते में आना भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, उस वीडियो के बारे में मैंने आपको सच्चाई बताई थी और आप सभी ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा देखा और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों ने शेयर भी किया और करना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रियलिटी आपके सामने जब तक नहीं आएगी तब तक आप खुद गुमराह होते रहेंगे, भ्रमित होते रहेंगे। तो मैंने आप सभी को सच्चाई बता दी है उस वीडियो में, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन में उस वीडियो की लिंक देने की मैं कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं कि दिन ब दिन हर ओ रोज़ एक नई वीडियो आ रही है जिसमें दोस्तों आप सभी को बताया जा रहा है कि PSL का पैसा तो मिलना शुरू हो गया है और किसी के खाते में भी आ गया है। और वहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक लिस्ट दिखाई दे रही है, वहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपका पैसा खाते में नहीं आया है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक करें। मैंने भी इसको देखना चाहा, मैंने सोचा यार क्या पता सेबी ने कोई लिस्ट जारी कर दी हो और शायद मुझे पता भी ना हो, मैंने ना देखी हो या फिर मेरी नज़र से छूट गई हो, तो चलो मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ। तो मैंने उस वीडियो को देखा, पूरा देखा। पूरा देखने के बाद दोस्तों उसमें यही बताया गया है कि आप सभी का जो पैसा PSL में फंसा हुआ है उनका भुगतान शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के पैसे खाते में आए भी हैं। तो उस वीडियो में पूर्व उनके पास में कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए और उल्टा वो कह रहे हैं कि सभी वाले हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमें लिस्ट दी है और लिस्ट पब्लिश करने के लिए मना किया है। यूट्यूब पर मैं ये लिस्ट नहीं दिखा सकता, आप अगर अपना नाम चेक करना चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिखकर भेज दीजिए। मैं उस लिस्ट में ना आपका नाम चेक करके अगली वीडियो में आपका नाम है या नहीं ये डिक्लेयर मैं कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से उस वीडियो में बताया गया है, पहले वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगी, उसमें पूर्व के तौर पर कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, तो मैं सोचा क्या पता यार ये भी फेक न्यूज़ हो सकती है। तो मैंने एक दो दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सेबी की वेबसाइट पूरी खंगाल दी, वहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं। और उसके बाद मेरे सामने एक और वीडियो आई, उसमें फिर से यही बताया गया। तो उस वीडियो को भी मैंने पूरा कंप्लीट देखा, तो उस वीडियो में उस भाई साहब ने उन वीडियो में जो नाम ले रहे हैं, जो कमेंट किए थे ना आप सभी ने, तो उन कमेंट में जो कमेंट में नाम आए हैं उन सभी का नाम ले रहे थे वो और बता रहे कि आपका नाम इस लिस्ट में है। अब पैसा कब मिलेगा ये तो नहीं बता रहे थे, लेकिन लिस्ट में नाम है ये बता रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, आप सभी लोग इतनी ज़्यादा संख्या में वो वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये न्यूज़ सही है या नहीं। दोस्तों, किसी भी तरह का कोई भी प्रूफ ना हो तो वो न्यूज़ फर्जी है, फेक न्यूज़ है। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको पिछले 2 सालों से PSL की खबरें दे रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं चाहता तो मैं किसी और कंपनी की भी खबरें दे सकता था और PSL के अलावा भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं YouTube के लिए, तो मैं वहाँ पर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं अभी तक भी PSL की खबरों को ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा भी पैसा लगा हुआ है और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और मेरे कुछ एजेंट साथी भी हैं मेरे पहचान के, तो उन्हीं को हमारी ये वीडियो उन तक पहुँच जाती है, तो मेरा मकसद
पूरा हो जाता है। ऐसे करके दोस्तों 1 लाख से करीब ऊपर हमारी जो ये फैमिली हैं वो निकल चुकी हैं। तो इतने सारे निवेशक जो हमारे साथ में एजेंट साथी जो जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई और गुमराह करे, आप लोगों के साथ कोई धोखा हो। आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी वीडियो ना देखें, और अगर देख भी लिए और अगर आपने पूरी देखने के बाद आपको डाउट लगे कि ये खबर फेंक है, तो उस पर आप फेंक न्यूज लिखें और वीडियो को आप डिसलाइक भी करें ताकि उसकी वीडियो ज़्यादा ना चले। क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो पर आप इतने सारे लोग देखते हैं, तो वो यूट्यूब का सिस्टम है कि आपके वीडियो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो सजेस्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप सभी को कि आप फालतू के वीडियो ना देखें, और जो आपको सही लगे, जो आपको सही न्यूज़ दे रहा है, उसी के साथ आप जुड़े रहिए। मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देखें, आप सभी का वीडियो देखिए, लेकिन जो सही है उस पर सही कमेंट करें, जो फेक न्यूज़ दे रहा है उस पर आप गलत कमेंट करें, फेक न्यूज़ लिखें और डिसलाइक करें वीडियो को। तो और दोस्तों बताना चाहूँगा, जो लिस्ट वाली बात है, ये लिस्ट PSL कंपनी ने 1 साल पहले जारी की थी अपने उन कार्यकर्ताओं के लिए, जो कार्यकर्ता जो PSL कंपनी में जो मैनेजमेंट थे, काम कर रहे थे ऑफिस में, उनकी लिस्ट जारी की थी और उनका भुगतान PSL कंपनी ने किया था पिछले साल। उनकी लिस्ट एक जारी की थी, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं PSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो ये लिस्ट जारी हुई थी दोस्तों 1 साल पहले, वो लिस्ट दोस्तों आप भी देखना चाहे तो PSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें 2018 की लिस्ट दे रखी है और उसमें कम से कम 52 पेज हैं, जो एक PDF फाइल है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप PSL के कर्मचारी हैं, अगर काम करने वाले हैं मैनेजमेंट में, तो उसकी लिस्ट है ये। और जिनका पैसा रुका हुआ था पिछले 3-4 सालों से, जिन लोगों ने काम किया था वहाँ पर ऑफिस में, तो उनकी लिस्ट जारी की गई थी, उनका पेमेंट भी हो चुका है अभी तो, और उनके बारे में मैं ये स्क्रीन पर बता रहा हूँ। सही बात यह है कि अभी तक ना तो किसी का पैसा आया है और ना ही किसी की लिस्ट जारी की गई है सेबी की तरफ से। तो बिल्कुल भी आप फेक न्यूज़ को ना देखें और ध्यान रखें। बाकी दोस्तों मेरा कहने का यही मकसद है कि आप कोई भी ऐसी फालतू की वीडियो पर आप भरोसा ना करें, यकीन ना करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि किसी भी कमेंट बॉक्स में आप अपना डाटा ना दें, जिसमें मोबाइल नंबर या फिर आपका नाम, एड्रेस, पता कुछ भी ना दें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जो फ्रॉड होता है वो यहीं से होते हैं अधिकतम। आप लोग भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पर नंबर दिया था, कहाँ पर कमेंट किया था। कई बार लोग आपसे आधार कार्ड नंबर भी मांग लेते हैं, कई बार आपसे PSL सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, वहाँ के पॉलिसी नंबर मांग लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मांग लेते हैं। तो ऐसा दोस्तों किसी को भी आप अपने दस्तावेज ना दें, और ना ही किसी को फ़ोटो भेजें, और ना ही किसी को पॉलिसी नंबर वगैरह है कुछ, मतलब सिक्योरिटी आपको अपनी रखनी है। बाकी आप कुछ समझदार हैं, मैं ज़्यादा तो आपको क्या कहूँ। फर्जी वीडियो और फेक न्यूज़ से आप दूर रहें, और हो सके तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसी फालतू की वीडियो है जिस पर लगाम लगाई जा सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ, तो आप भी अपना जो मन में आए वो कमेंट आप कर सकते हैं, आपकी आज़ादी है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। दोस्तों मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हो, आपके साथ में कोई धोखा हो, इसीलिए दोस्तों मैं आपको सच्चाई से अपडेट रखता हूँ समय समय पर। और आप चाहे तो हमारी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको हर वीडियो में आपको प्रूफ मिलेगा, कोई भी न्यूज़ होगी तो न्यूज़ का कुछ ना कुछ प्रूफ ज़रूर मिलेगा आपको, और जिसमें कोई प्रूफ ना होगा उसमें दोस्तों सच्चाई होगी, उस बात पर आप यकीन करें, विश्वास करें हमारा। हम कभी भी आपको गलत खबर नहीं देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, वादा है आपसे, और ना ही हमने 2 सालों में दी है कोई गलत खबर। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ,
तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।